हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमफली प्लांट्स के ऊपर। देखेंगे आज की वीडियो में कैसे हम इसे घरों में इजीली ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनकी सीड से। और आज की वीडियो में देखिए, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सीडलिंग से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस। जैसा कि देखिए आपने स्टार्टिंग में इसके सक्सेसफुल रिजल्ट देख लिए होंगे, मैं बताऊंगा देखिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है इन सीड्स को ग्रो करने के लिए, और कौन से मंथ में आपको इन्हें ग्रो करना चाहिए, और क्या क्या देखिए हमें इसकी केयर करना पड़ती है, और देखिए कहाँ पर हमें इसे प्लेस करना पड़ता है जिससे देखिए आपको इसकी हार्वेस्टिंग अच्छी और हैवी क्वान्टिटी में मिल सके। और देखिए आज की वीडियो में पूरा 101% ऑर्गेनिक प्रोसेस बताने वाला हूं, वो बताऊंगा आप इसे टेरेस गार्डन पर कैसे ग्रो कर सकते हैं यानी कि पॉट्स में। तो आज की जो वीडियो हमारी देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को देखिए आप पूरा देखिएगा। और अगर देखिए ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपको सेमफली प्लांट्स को घरों में लगाना है बुबिन की सीड से, तो देखिए लगाने के लिए जो बेस्ट मंथ होता है वो रहता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इन तीनों ही मंथ में आप इसके प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखिए इसकी सीड से ग्रो करना है तो देखिए आप इसे जो है सेप्टेम्बर अक्टूबर के मंथ में लगा सकते हैं बुबिन की सीड से। आपको देखिए 101% इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप सबसे पहले देखते हैं सीड से ग्रो करने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर देखिए हम सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, उसमें मैं यूज करना है 50% रहेगी हमारी कोकोपीट और 50% रहेगा हमारा बर्मी कंपोस्ट। अगर देखिए आपका बर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप देखिए जो नॉर्मल कंपोस्ट रहता है यानी कि गोबर की खाद, उसका भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। आप देखिए हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉटिंग सॉइल था सेमफली सीडलिंग्स के लिए, वो देखिए हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर अगर देखिए हम पॉट की बात करें तो नॉर्मली आप देखिए कोई से भी पॉट का इसमें यूज कर सकते हैं एज अ सीडलिंग पर्पस। मैं यहाँ पे देखिए प्लास्टिक पॉट का इसमें यूज करने वाला हूँ, जिसमें देखिए मैंने बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक होल कर लिया है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर देखिए वाटर रुकेगा तो हमारे सीड्स के गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी कराया उससे देखिए हम हमारे पॉट को पहले करते हैं फिल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉटिंग सॉइल था उसे देखिए हमने हमारे पॉट में भी फिल कर लिया है। इसके बाद देखिए पहले हम करते हैं इसकी वॉटरिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने जो हमारी सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। इसके बाद देखिए ये हमारे सेमफली के सीड्स, आपको देखिए हमेशा गुड क्वालिटी के ही सीड्स को परचेस करना है। तो देखिए इसका जो सीड्स है कुछ देखिए इस तरीके का रहता है, तो इसे देखिए हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर कर देंगे प्लेस। और इसे देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्लेस करना है, और इसी सेम तरीके से देखिए हम इसके और हेल्दी हेल्दी सीड्स को प्लेस कर लेंगे। और देखिए डिस्टेंस पर आपको प्लेस करना है इन सीड्स को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सीड्स थे उन्हें देखिए हमने सॉइल सरफेस पर भी प्लेस कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको इन सीड्स को प्लेस कर लेना है और डिस्टेंस पर आपको इन्हें प्लेस करना है। इसके बाद देखिए हमें ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की एक लेयर कर देना है, और देखिए इन सीड्स को पूरी तरीके से कर देंगे कवर, यानी कि देखिए आधा से एक इंची तक की लेयर सफिशियंट है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की भी हमने एक लेयर कर दी है। इसके बाद देखिए इसे हल्के हाथों की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है, जिससे देखिए जो हमारे सीड्स है वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाए। इसके बाद देखिए हम इसकी थोड़ी वाटरिंग और करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद देखिए हम इसे प्लेस कर देंगे ऐसी जगह जहाँ देखिए इसे मॉर्निंग की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। और देखिए स्टार्टिंग फेज में 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की मिनिमम रोशनी तो इसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारे सेमफली प्लांट्स होते हैं ना डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और वाटरिंग का रखना है ख्याल, ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करना है, वरना आपके सीड्स के गलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब जो है देखिए मैं इन्हें प्लेस कर दूंगा डायरेक्ट सनलाइट में, और अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट। और देखिए ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को
लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट आफ्टर 5 डेज। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने हमारी सेमफली की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए देखिए 5 दिन कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सीड्स की जो जर्मिनेशन है वो भी देखिए स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए अभी भी जो इनके और भी सीड्स देखिए जर्मिनेट हो रहे हैं। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं, जब तक जो इसके और सीड्स जर्मिनेट होते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे के रिजल्ट। और देखिए हमें देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी वाटरिंग का रखना है ख्याल, ओवर वाटरिंग भी देखिए आपको नहीं करना है। आफ्टर 17 डेज। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने हमारे सेमफली प्लांट्स को लगाया था इनकी सीड से, इन्हें लगा हुए देखिए 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अब जो इनके प्लांट्स हैं रेडी हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जब देखिए इनमें 4 से 5 टू लीव्स आ जाएं, जिस तरीके से देखिए इन प्लांट्स में आ चुकी हैं। तो इस स्टेज पे देखिए जो आपके सेमफली के प्लांट्स होते हैं, इन्हें आप देखिए बिग पॉट पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए जो आपके सेमफली प्लांट्स होते हैं, इनकी जो ग्रोथ रहती है बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी बढ़ती है। तो देखिए ये जल्दी रेडी हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे अगर हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, तो उसमें हमें यूज करना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, 20% रहेगा हमारा बर्मी कंपोस्ट। इन तीनों को हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पॉटिंग सॉइल था वो देखिए हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर अगर हम देखिए पॉट की बात करें, तो देखिए आपको पॉट इसमें बिग साइज के कंटेनर का ही यूज करना है। मैं यहाँ पे देखिए फूड क्रेट का इसमें यूज करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए जो आपके सेमफली के प्लांट्स होते हैं, इन्हें देखिए अच्छा खासा स्पेस चाहिए पड़ता है, जब जाके देखिए इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जब देखिए इनकी जो ग्रोथ अच्छी होती है, उसके बाद ही देखिए मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में मिलती है। इसलिए देखिए मैं इसमें जो फूड क्रेट का यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें देखिए मैंने अंदर से पॉलीथीन से इसे कवर कर दिया है। और देखिए बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए देखिए 4 होल्स भी मैंने कर दिए हैं। इसके बाद देखिए जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा है, उससे देखिए हम हमारी इस फूड क्रेट को करते हैं पहले फिल। तो यहाँ पे देखिए जो पॉटिंग सॉइल था, उसे देखिए हमने हमारी इस फूड क्रेट में भी देखिए फिल कर लिया है। ऊपर से देखिए इसे आपको थोड़ा खाली भी रखना है, जिससे देखिए जब भी हम इसकी वाटरिंग करें, तो देखिए हमारी सॉइल भी उसके साथ बाहर ना निकले। इसके बाद देखिए जो हमारे सेमफली के प्लांट्स हैं, उन्हें हम पहले निकालते हैं, उसके बाद देखिए इसमें करते हैं ट्रांसप्लांट। देखिए हमारे सेमफली के प्लांट्स जिन्हें देखिए हमने सीड से ग्रो कराया है, किसी भी देखिए सार्फ टूल की मदद से आपको इन प्लांट्स को निकालना, और रूट बॉल के साथ आप इन्हें निकालेंगे। एक बात का याद रखना है, रूट्स को आपको देखिए इनकी ज्यादा डैमेज नहीं करना है। मैं यहाँ पे देखिए इसके 4 प्लांट्स को लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इसके 2 प्लांट्स को निकाल लिया है, और आप इसकी रूटिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी थी कि इनकी रूटिंग चल रही है। अब इसी सेम तरीके से देखिए हम इसके 2 प्लांट्स और निकाल लेते हैं, और फिर देखिए इन्हें बिग पॉट में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो हमारे प्लांट्स को निकाल लिया है, और इन्हें देखिए हमने अलग अलग भी कर लिया है। अब देखिए आपको इन्हें लगाना कैसे है। देखिए सिंपली ये देखिए हमारा सेमफली का प्लांट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लैंक पार्ट है, यानी कि देखिए इसकी जो स्टेम्स है, इसे भी आप चाहें तो देखिए आधी सॉइल के अंदर दबा सकती हैं। यहाँ से भी देखिए एक्स्ट्रा रूटिंग बनने के चांसेस होते हैं, और स्ट्रेट ही देखिए आपको इसे प्लेस करना है इस प्लांट को। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए इसमें करेंगे एक होल सॉइल में कुछ इस तरीके से, और अपने प्लांट्स को देखिए ये प्लेस कर देंगे स्ट्रेट, और अगल बगल से देखिए सेम सॉइल से कर देना है हमें इसे कवर। इसी सेम तरीके से देखिए हम और प्लांट्स को इसके लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो हमारे प्लांट्स को बिग पॉट में देखिए प्लांट भी कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको भी इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है, बहुत ही आसान रहता है इनका ट्रांसप्लांटिंग का प्रोसेस। बस एक बात का देखिए आपको याद रखना पड़ता है कि देखिए इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो देखिए आपको मेंटेन करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बीच में देखिए मैंने अच्छा खासा मेंटेन करा हुआ है डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस हमें इसलिए रखना है इनके बीच में, जिससे देखिए इनकी जो रूट्स हैं देखिए इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड हो सकें, यानी कि देखिए एक दूसरे में इनकी जो रूट्स हैं वो देखिए मर्ज ना हो। अगर देखिए इनकी रूट्स मर्ज होंगी, फिर देखिए इनके जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो देखिए किसी प्लांट की ज़्यादा अच्छी होगी, किसी की देखिए बिल्कुल कम होगी। तो ये रहता है, इसलिए देखिए आपको इन्हें जो अगर
एक पॉट में यानी कि बिग कंटेनर में आप इन प्लांट्स को लगा रहे हैं तो देखिए आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली डिस्टेंस का ख्याल रखना है, डिस्टेंस अच्छा खासा इनके बीच में मेंटेन करना है जिससे देखिए जो हमारे प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर सके। इसके बाद देखिए ट्रांसप्लांटिंग के बाद हाल के हाल हमें कर देना है इसकी वॉटरिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इनकी वॉटरिंग भी कर दी है। इसके बाद देखिए मैंने एक दो दिन के लिए प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में जिससे देखिए जो हमारे सेमफली के प्लांट्स हैं वो देखिए अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएं। उसके बाद देखिए जब एक दो दिन बाद ये जो प्लांट्स हैं अपनी न्यू सॉइल में स्टेबल हो जाएंगे फिर देखिए मैंने प्लेस कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि देखिए जो आपके बीन्स के प्लांट्स होते हैं यानी कि सेमफली के प्लांट्स होते हैं ना देखिए डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए आप देखते हैं इसके सक्सेसफुल। तो आज देखिए हम अपने प्लांट्स में ऐड करने वाले हैं फर्टिलाइजर। देखिए आपको फर्टिलाइजर हर देखिए 20 से 25 दिनों के गैप में अपने प्लांट्स में ऐड करते रहना है जिससे देखिए हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। तो देखिए फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सोइल की कर लेना है हल्की हल्की सी गुड़ाई जिससे देखिए जो फर्टिलाइजर है वो देखिए प्लांट्स के रूट्स के कॉन्टेक्ट में आ सके। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है सोइल की गुड़ाई भी कर ली है। इसके बाद देखिए ये हमारा वर्मी कंपोस्ट जो कि देखिए 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। अब देखिए सिंपली आपको इसे ऐड कैसे करना है, देखिए आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसे यूज करना है, यानी कि अगर आपके पास देखिए 10 से 12 इंच का पॉट है तो आप देखिए नॉर्मली इसकी 1 से 1.5 मुट्ठी ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है वर्मी कंपोस्ट को इसमें ऐड भी कर दिया है और देखिए सॉइल में मिक्स भी कर दिया है। इसके बाद देखिए हल्का हम कर देंगे इसकी वॉटरिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इसकी वॉटरिंग भी कर दी है। अब देखिए जी सेम तरीके से आपको हर देखिए 20 से 25 दिनों के गैप में इसमें बर्मी कंपोस्ट को ऐड करना है जिससे देखिए क्या होगा हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो देखिए और भी अच्छी होगी, यानी कि देखिए हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर जब भरपूर मात्रा में मिलेंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी जिसकी वजह से देखिए हमें जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो भी देखिए अच्छी और हैवी क्वान्टिटी में मिलेगी। तो देखिए ये जो आपको बर्मी कंपोस्ट यानी कि देखिए किसी फर्टिलाइजर को आपको ऐड करना है तो देखिए ये प्रोसेस आप देखिए मॉर्निंग में 6 बजे के पहले करेंगे या आप देखिए इवनिंग में 5 बजे के बाद ऐड करिएगा। दिन में ये प्रोसेस करने की आपको नीड नहीं है, आप देखिए इसे शाम के समय करेंगे। दूसरी बात, जब देखिए इसकी जो सॉइल है इसके ऊपर का सरफेस हल्का हल्का सा ड्राई हो, यानी कि देखिए जो हमारी सॉइल है वो मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए वरना देखिए जो हमारा फर्टिलाइजर है वो देखिए सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो देखिए कुछ इन्हीं चीज़ों का आपको याद रखना है जब भी आप देखिए फर्टिलाइजर्स को ऐड करें, बाकी देखिए हमें कुछ नहीं करना है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनके आगे के अपडेट्स। After 54 days, तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे सेमफली प्लांट्स को लगाया था इन्हें लगा हुए 54 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो देखिए कितनी अच्छी चल रही है और अब देखिए इनमें जो है फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए जो हमारे सेमफली के फ्लावर्स होते हैं ये देखिए कुछ व्हाइट कलर का इसका फ्लावर होता है और देखिए इनके जो फ्लावर है कुछ इस तरीके से लगते हैं और इसी सेम तरीके से देखिए इनके जो ऑफ फ्लावर्स है वो देखिए लग रहे हैं और देखिए कुछ फ्लावर्स जो है इनके खिल भी चुके हैं, जैसे कि देखिए आपको ये वाला फ्लावर दिख रहा होगा तो देखिए ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो देखिए जो हमारे सेमफली होती है सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, यानी कि देखिए ऑटोमेटिकली इनका पॉलिनेशन हो जाता है हवा की वजह से या देखिए कोई इन पे इंसेक्ट वगैरह आकर बैठ जाए यानी कि देखिए मधुमक्खी वगैरह वो भी इनका देखिए पॉलिनेशन करा देती है। बाकी अगर देखिए आपको इनका हैंड पॉलिनेशन कराना है तो देखिए हैंड पॉलिनेशन के लिए सिंपली आपको इसे कुछ इस तरीके से शेक कर देना है तो देखिए इसके जो पॉलिन्स रहते हैं इसके स्टिग्मा जो रहता है उसमें लग जाते हैं और बाकी देखिए हमें कुछ नहीं करना है। चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं जब तक देखिए हमारी सेमफली बनती है और फिर मैं आपके साथ देखिए शेयर करता हूँ उनके सक्सेसफुल रिजल्ट। 114 डेज, तो यहाँ पर देखिए जो हमने हमारे सेमफली प्लांट्स को लगाया था इन्हें लगा हुए 114 दिन कंप्लीट हो चुके हैं
और यहाँ पर देखिए जो हमारी सेमफली है वो देखिए हार्वेस्टिंग के रेडी भी हो चुकी है। अब देखिए जब ये इतने साइज की हो जाए जितनी देखिए आपको दिख रही है, और देखिए इसको आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं करना है। अगर ये देखिए ज्यादा हार्ड हो जाएंगे इनके सेल, फिर देखिए जब आप इन्हें कुकिंग यानी कि देखिए जब आप इनकी सब्जी वगैरह बनाएंगे तो देखिए आपको ये ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगी, और फिर देखिए इनके जो न्यूट्रिशन भी है वो भी देखिए कम हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस स्टेज पर आपको इन्हें देखिए हार्वेस्ट कर लेना है। बाकी अगर आप देखिए कुछ दिन और लगा छोड़ देंगे तो फिर देखिए इनके जो सीड्स हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगे, फिर देखिए हमारे किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब जो है आज हम करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, सिंपली देखिए हम यहाँ पर सीजर ले रहे हैं। सीजर से देखिए इन बीन्स को यानी कि देखिए जो हमारी सेमफली है ना कर लेंगे कट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से हम देखे से यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे इसे कट। तो देखिए ये हमारी इस सीजन की पहली सेमफली। अब देखिए सेम तरीके से देखिए जो और लगी हुई उन्हें भी देखिए हम हार्वेस्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने जो हमारी सेमफली की पहली हार्वेस्टिंग कर ली है, और आप देख सकते हैं कितनी सारी देखिए हमें सेमफली मिल चुकी है, और ये देखिए 100% ऑर्गेनिक है। हमने देखिए इस वीडियो में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करा है। तो देखिए आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो कर यानी कि देखिए इसी मेथड को फॉलो कर आप भी अपने घरों में सेमफली को ग्रो कर सकते हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक मेथड के साथ। बाकी देखिए अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड टू सी माई यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को देखे ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। अब यहाँ पर देखिए एक जो सैंपली है मैं देखिए उसको कट करके भी आपको बताया था, वो अंदर से देखिए कैसी लग रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से भी देखिए पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। बाकी देखिए अगर हम इस सेमफली को कुछ दिन और लगा छोड़ देते फिर देखिए ये जो सीड्स हैं ये अंदर ये पूरी तरीके से पक जाते, फिर देखिए सीड्स में परिवर्तित हो जाते। जिस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं ये वाली जो सेमफली लगी हुई है ये देखिए सूख चुकी है। अब देखिए अगर हम इन्हें खोलेंगे तो इनके अंदर से देखिए पूरे मैच्योर सीड्स निकलेंगे जिन्हें हम देखिए वापस से ग्रो कर सकते हैं या देखिए सेव कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके ऊपर देखिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल दूंगा शॉर्ट्स में, तो आप देखिए वो वाली वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। और अभी भी देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें और भी सेमफलीज आ रही हैं, तो देखिए उनकी भी मैं हार्वेस्टिंग बाद में ले लूंगा। तो देखिए आप भी इस तरीके से अपने घरों में सेमफली को ग्रो करिएगा। बाकी अगर देखिए आप सभी को भी ऐसी सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है तो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।